महा महा ये हरियाली ये आसमान। महा बेटा इतनी देर क्यों लगा रही हो, हरी आप। बेटा फिल्म शुरू हो जाएगी, तुम्हें पता कितनी ट्रैफिक होती है रास्ते में। शफ़क ने मार देना हमें, यानी इतना गन मचाया हुआ है, तुमने म्यूजिक आके बंद करो, ये रिमोट कहाँ है आपका? महा जानी प्लीज हरिया, एक बार फिर से हॉर्न ले। यार 10 मिनट से हॉर्न बजा रहा हूँ, तुम आकर खुद क्यों नहीं बुला लेती उन्हें? मैं जा नहीं रही हूँ, आई विल जस्ट कॉल हर, फोन करती हूँ उसको। और ये जिस तरह से तुम हॉर्न दे रहे हो ना, इस तरह वो कभी बाहर नहीं निकलेगी। ओह गॉड, आंटी शफ़क इज अनबिलीवेबल। अच्छा 5 मिनट दे दो ना। 5 मिनट मासूमा, आधे घंटे से हम तुम्हारे गेट के बाहर खड़े हुए हॉर्न बजा रहे हैं, आखिर मसला क्या है? भाई मसला कोई नहीं है, महा नहा रही है। ओह फॉर गॉड सेक्स यार, उसको इतना लंबा टाइम चाहिए होता है नहाने के लिए। तुम्हें सुबह से पता था हमने फिल्म के लिए जाना है, तो वो पहले से क्यों नहीं तैयार हुई? उसकी गलती नहीं है, मैंने ही उसको लेट जगाया है। मासूमा अभी हमने रास्ते से जूनी को पिक करना है, 10,000 सिग्नल आने हैं, मुझे यकीन है कि हम ना फिल्म मिस कर देंगे आधे से ज्यादा। अच्छा अच्छा 5 मिनट वेट करो ना, अभी निकलती होगी। मैं ना इसको टिकट्स देकर आती हूँ। I'm sorry. ये पकड़ो टिकट्स और जब महा तैयार हो जाना तो आ जाना। I'm really sorry. मासूमा तुम्हारी पेटलाइन बन चुकी है यार ये। I don't understand तुम मेरे साथ प्लान क्यों बनाती हो, अगर एंड में तुमने मेरे साथ यही करना होता है। And it's always something about Maha. या वो तैयार नहीं होती, या उसके जूते नहीं मिल रहे होते, या वो सो रही होती, या वो नहा रही होती है। तुम उसको ना 2 साल के बच्चे से ज्यादा बिगाड़ रही हो। And you going to regret this afterwards. I'm sorry. अब मुझे पेरेंटिंग में लक्ष्य मत दो, ठीक है? मुझे कोई जरूरत नहीं है अपना वक्त जाया करने की। तुम कौन सा वैसे भी मेरी बात सुनती हो? अब आ जाना और प्लान कैंसिल मत करना, I'll be waiting for you. शफ़क, शफ़क। शुक्र है चली गई। I'm ready, let's go. देर हो गई तो शफ़क आंटी नाराज हो जाएंगी। वो अब जा चुकी हैं। What? उन्होंने हमारा वेट भी नहीं किया? That's not nice, mama. महा, वक्त पे निकल आते ना तो इस वक्त हम सिनेमा में बैठे हुए होते। ट्रैफिक देखा है कितना, ऊपर से हर मोड़ पे सिग्नल आ जाता है। तो जब तक हम पहुंचेंगे फिल्म ही खत्म हो चुकी होगी। टिकट जाया अलग, शफ़क का मूड खराब अलग। मैं तैयार हो रही थी। बच्चे तुम हमेशा इसी तरह करती हो, जब भी वो लोग हमें लेने आते हैं ना तुम यही करते हो, बस हर चीज को लटका के रख देती हो। तो आमद बना के उनके साथ प्रोग्राम, मैं वैसे भी आपके साथ अकेले ज्यादा एंजॉय करती हूँ। हमारे यहाँ कोई फैमिली नहीं है, आंटी शफ़क इज द क्लोजेस्ट फ्रेंड आई हैव, उनसे भी नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? अच्छा रात का प्रोग्राम है, पिक एंड ड्रॉप ही हो जाता, यही आसानी रहती। क्या आसानी हो जाती? CNG पे कितनी लंबी लाइन होती है अंदाजा है तुम्हें? अब वापसी में भी वहां रुकना पड़ेगा, यही 1 घंटा ना मैं बचाना चाह रही थी। मुझे नहीं अच्छा लगता जब अंकल अब्बास साथ हो। अब अब्बास ने क्या किया? तो सोनी ज्यादा ही ओवर हो जाती है, जब भी उसके साथ उसके पापा हो ना यूँ लटकती है एज इफ शी इज अ बेबी। पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए, पापा मुझे ये करना है, पापा मुझे वो करना है। अच्छा सुनो, वापसी में डिनर कहाँ करना है? इज नैंडो स्टिल योर फेवरेट? बताओ। चलो जी, गौर से।
By the way, did you hear the new gossip? क्या? सारा की मम्मी ने दूसरी शादी कर ली. तुमसे किसने कहा? फरहान ने. उसकी मम्मी गई थी ना उनकी शादी में. वो सा है. I know. लेकिन मैं तुम्हारा नाम प्रपोज कर चुका हूँ. अब ये पॉसिबल नहीं है कि तुम इस वर्कशॉप को अवॉइड करो. रिजवान साहब, आई अंडरस्टैंड, बट आई एम अ सिंगल पेरेंट और मैं अपनी बेटी को 3 दिन के लिए नहीं छोड़ के जा सकती. मैं तुम्हारा मसला समझता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकालो. हर बार पिछले 3 सालों में जब भी ये वर्कशॉप आई है, तुमने यही बहाना किया. मतलब डू यू इवन रियलाइज कि तुम अपने कैरियर को कितना डैमेज कर रही हो? और ना सिर्फ कैरियर, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है इस वजह से. फ्रैंकली स्पीकिंग सर, आई डोंट हैव एन ऑप्शन. मासूमा, यू आर वेरी प्रेशियस फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन मैं नोट कर रहा हूं, 2-3 सालों से आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती जा रही हैं. आप ना सिर्फ अपना एज बल्कि अपना फोकस, अपनी डेडिकेशन और अपना एटीट्यूड लूज करती जा रही हैं, व्हिच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग. यू नो, आई एम रियली सॉरी कि मैं कंपनी को नुकसान दे रही हूं, बट आई रियली डू नॉट हैव एन ऑप्शन. And I'm sorry you feel that way. Perfect. तुम्हें वर्कशॉप पे जाना चाहिए था. उनकी टोन ने मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वर्कशॉप तुम्हारे करियर के लिए बहुत यूजफुल थी. और माहा? माहा को तुम मेरे पास छोड़ देती, आई कुड हैव लुक्ड आफ्टर हर. नहीं छोड़ के जा सकती. तुम्हें पता है मुझसे कितनी अटैच्ड है? अटैच्ड नहीं है, पोजेसिव है तुम्हारे बारे में, और ये सब तुम्हारा कसूर है. शफक प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो. मेरी बच्ची के पास और कोई नहीं है जिसके साथ वो अपने मसाइल शेयर कर सके. पिछले हफ्ते उसने कोई बहुत डिस्टर्बिंग सी फिल्म देख ली जिसमें दिस सिक मैन सेक्सुअली अब्यूजेस दिस यंग टीनेज गर्ल. उस दिन से और भी ज्यादा अपसेट हुई है. आधी रात को रोते हुए मेरे कमरे में आ जाती है. मासूमा, ऑल आई एम सेइंग इज कि तुम्हें मालूम है ना कि हम सब के लिए मेंटली ग्रो करना उतना ही जरूरी है जितना कि फिजिकली. मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें और माहा को एक दूसरे से करीब नहीं होना चाहिए, बट माहा की पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है कि तुम उसे थोड़ा सा स्पेस दो. लेट इट बी अ लिटिल मोर इंडिपेंडेंट. तुम कब तक उसकी बैसाखी बनी रहोगी? Trust me, Masooma. This is not good for your child. Mummy. Hmm. आपको पता है सारा की मम्मी ने सेकंड मैरिज कर लिया. अच्छा. And her stepfather is a pilot. Good. But Sara बहुत upset है. उसको थोड़ा time तो लगेगा ना adjust करने में. ठीक हो जाएगी. I don't think so. वहां उसकी अम्मी ने कुछ ना कुछ तो सोच के किया होगा ना. पता नहीं, कल क्लास में भी अजीब अजीब सी गॉसिप्स कर रही थी कि मम्मी और स्टेप फादर को लेके. माहा, दैट्स वेरी बैड. मम्मी, मैं नहीं कर रही थी, बाकी सब कर रहे थे. मुझे तो सारा पे बहुत तरस आ रहा था. सारी एम्बैरसमेंट तो उसको फेस करनी पड़ी है ना. अच्छा, कम है वो. कम है, ये लेके जाऊँ इसमें. Pleasant to see कि आज के डाउनटाइम. Please come in. Oh, Masooma. I would like you to meet Jamal Ahmed. He's going to join us as the marketing manager for Sigma Pakistan. Joe, what a pleasant surprise. Well, it's pleasant to hear कि मैं आपको बीबी याद हूँ. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. पॉपी कहाँ है? कैसी है? किधर है? You guys know each other? Sir, ये मेरी best friend पॉपी का छोटा भाई जो है. Sorry, Jamal Ahmed. It's all right. और ये है मेरी बड़ी बहन की best friend, Mo. फिर तो आपको बहुत खुशी होगी अपने बेस्ट फ्रेंड के भाई को एक क्लाइंट के तौर पे डील करने में. सर, वी आर इन फॉर अ टफ टाइम.
ये इसलिए कह रही क्योंकि आज तक मुझसे कोई आर्गुमेंट नहीं जीती। झूठ। प्लीज हैव अ सीट। प्लीज कॉफी। पॉपी तो अमेरिका जाके गायब ही हो गई, तुम्हारा भी ये हाल है? आप भी तो गायब हो गई नहीं शादी के बाद से। इस्लामाबाद से कराची शिफ्ट हुई, कराची में स्केड्यूल्स इतने हेक्टिक थे कि बस एक हद तक ही पॉपी से इन टच रह सकती थी। लेकिन जब पॉपी अमेरिका गई है उसने तो बिल्कुल मुझे कॉन्टेक्ट ही नहीं किया। वहां जाके एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स रही उन्हें काफी अरसा। शी वाज प्रीटी अपसेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद उन्होंने अपनी पीएचडी स्टार्ट कर दी जिसकी वजह से उन्होंने दुनिया के साथ बिल्कुल ही कॉन्टैक्ट तोड़ लिया। आपका तो जिक्र छेड़ती रहती हूँ, आप कोई भूलने वाली चीज थोड़ी। अच्छा अपना बताओ ना, इतने अरसे से क्या कर रहे हो, कहाँ गायब हो? बस रोजगार के चक्कर में धक्के खा रहे। प्लीज जो इतने हम्बल ना बनो, तुम धक्के खाने वालों में से नहीं हो। न्यूयॉर्क से मैंने अपनी डिग्री ली फ्रॉम कॉर्नेल। उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर दिस कंपनी। उसके लिए मैं सिंगापुर शिफ्ट हुआ, वहां पे 2 साल काम करने के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया गया। फाइनली ऑस्ट्रेलिया से मैंने पाकिस्तान क्या किया अपनी पोस्टिंग करवाई। यानी कि पूरी दुनिया फिर ली। कुछ सही ना, आधी जॉब से पहले आधी जॉब के बाद। शादी की, बच्चे हैं? जो डोंट टेल मी यू आर स्टिल सिंगल। खैर इतना भी समझदार नहीं हूं मैं। शादी की थी मैंने एक अमेरिकन लड़की से एंड 2 साल रोते धोते गुजारे हमने। शुक्र है अल्लाह का बच्चे नहीं हुए, वरना लटकते लटकते गुजरना था रिलेशनशिप। I'm sorry to hear that, Joe. पुरानी बात होती है। खैर sorry to hear about Hassan's death. It was a road accident. पापी ने बताया था मुझे। काफी अरसा सोचता रहा कि मैं कॉल करूं कि ना करूं। I really didn't know what to say. He was a lovely person. Yes, he was that. मेरी एक बेटी है। Really? क्या नाम है? Maha. She was 10 years old when her father passed away और बहुत अपसेट रही है। आपने दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा कभी? God, no. हसन जैसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारने के बाद तो I can't even think of anyone else. और फिर Maha would never accept it. बहुत सेंसिटिव बच्ची है वो, बहुत सेंसिटिव बच्ची है। I can understand that. अपना बताओ मियाँ, तुमने क्यों नहीं दोबारा शादी की? तुम्हारे तो बच्चे भी नहीं थे। बस सोचा ही नहीं। ये क्या बात हुई? अब पाकिस्तान आए हो ना तो सोचना पड़ेगा, तुम्हारे लिए लड़की ढूंढते हैं। Oh please mom, now you beginning to sound like Poppy. वो भी जब मेरी शक्ल देखती है ना उनको शादी याद आ जाती है मेरी। इसमें क्या बुरी बात है? इतनी अच्छी शक्ल है, एलिजिबल बैचलर हो, क्यों ना करो शादी भाई? मो, आई एम 34. मैं अपने लिए खुद लड़की ढूंढ सकता हूँ अगर शादी करनी होगी तो। 34? जमाल प्लीज मुझे अपनी एज के साथ इंप्रेस करने की कोशिश मत करो। आप भी ना, बिल्कुल नहीं बदले। किस लिहाज से? हर लिहाज से। सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? अहमकाना बातें मत किया करो प्लीज। अहमकाना बातें नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक प्रपोजल की बात कर रही हूँ। नहीं मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है दूसरी शादी में। प्लीज एक बार उस आदमी से मिलना, मुझे Maha के बारे में सोचना है। समझ आई है? मुझे उल्टे मशवरे मत दिया करो, वो बड़ी हो रही है। तुम 60 साल की बुढ़ी औरतों की तरह सोचना कब बंद करोगी? मैं 15 साल की बेटी की माँ हूँ भाई। तो ये तुम्हें हर 2-3 महीने बाद क्या अजीब से दौरे पड़ जाते हैं? मसला क्या है तुम्हारा? मेरा कोई मसला नहीं, और अगर तुम इसे दौरा समझ रही हो तो फिर दौरा ही ठीक है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करो अपनी। 3-4 साल के बाद Maha किसी प्रोफेशनल कॉलेज में चली जाएगी और फिर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जानी है। अभी तुम्हें ऑप्शंस मिल रहे हैं, बाद में किसी ने तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं और तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं मिलना, फिर अकेली घर में बैठ के क्या करोगी? कोई और बात करें? नहीं, फिलहाल मैं इसी टॉपिक में इंटरेस्टेड हूँ। ये चेक करो।
मैंने काम नहीं देखना। महा महा जानी इधर आके जरा मेरी हेल्प करो। मामा मैंने फ्रूट राइफल तो बना दिया, लेकिन आप इतनी साइड डिशेस क्यों बना रही हैं? आंटी शफक आ रही हैं क्या खाने पे? नहीं शफक नहीं आ रही, मेरा एक फैमिली फ्रेंड आ रहा है। फैमिली फ्रेंड कौन? मेरी दोस्त पॉपी है ना, उसके बारे में बताया मैंने तुम्हें। उसका भाई आ रहा है खाने पे। हमारे नेबर्स हुआ करते थे ये लोग इस्लामाबाद में। कभी कभार तो लगता था पॉपी से ज्यादा जमाल से ही मेरी दोस्ती है। इतना भगाया है ना उसको पूरे शहर में हम दोनों ने अपने कामों के लिए। मम्मी आपने पहले तो कभी उनके बारे में नहीं बताया। जानो बड़े साल बाद मिल रहे हैं ना, ये पाकिस्तान में था ही नहीं। पॉपी से तो फिर भी शादी के बाद 2-3 बार मुलाकात हुई है, लेकिन जमाल से 10-12 साल बाद मुलाकात हो रही है। लॉन्ग टाइम। सॉरी डोंट कट इट लाइक दैट। आ गया। देखो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिंदगी में पहली बार के ये वक्त पे पहुंचे हैं आप। बस आई गेस वक्त की कदर होगी मुझे। ओह आई लव लिलीज। आई नो दैट। आई एम इंप्रेस्ड भाई, याद है तुम्हें? अंदर आओ ना। वाओ नाइस हाउस। थैंक्स, वी मूव्ड इन अ फ्यू इयर्स अगो। दो लोगों के लिए कुछ ज्यादा बड़ा घर नहीं है ये। हम सिर्फ ऊपर के पोर्शन में रहते हैं। नीचे के पोर्शन में मालिक मकान रहते हैं और वो ज्यादातर अमेरिका में होते हैं अपने बच्चों के पास। जमाल मेरी बेटी महा। ओह हाय महा। हाय। माशाल्लाह यू आर वेरी प्रिटी डॉटर। पाप पे गई है अपने। आई एग्री। थैंक यू। वेरी फनी। आओ बैठो। पता है मुझे और पापी को क्या बुलाया करता था? क्या? गुजारे लायक है। तो गलत कहा क्या मैंने? जो तुम कितने वेर हो हाँ, अपनी बीवी की कैसी तारीफ करते थे? I used to call her intelligent. That's probably why it didn't work, Joe. माँ? अरे नहीं नहीं no problem at all. तुम्हारी मामा पापी और मैं बचपन से ही बहुत करीब हैं। मैं इनकी किसी बात का बुरा नहीं मनाता। By the way, I hope you like what I got you. मुझे तुम्हारी पसंद का पता नहीं था इसलिए मैं कुछ भी उठा के ले आया। No, it's really cute. Really? Thanks. वैसे मैंने पापी को बताया था मैं आपसे मिला हूँ, बल्कि बात कराऊंगा आज आपकी उनसे। प्लीज जरूर कराना, उस दिन तुम आए मैं नंबर ही लेना भूल गई तुमसे। सोमा यू नो लेवल्स? या। काफी टफ स्टडीज होंगी हैं? नॉट रियली। रियली? शी इज एन एक्सेप्शनल स्टूडेंट। आई एम सो प्राउड ऑफ हर माशाल्लाह। वाह भाई, इसका मतलब अभी मैं दो इंतहाई जहीन लोगों की सोबत में बैठा हूं। एंड बाय द वे एक्सीलेंट सैलेड महा ने बनाया है। हमारे घर में कोई लंच हो या डिनर, महा मेक्स अ सैलेड। वाह महा, यू वेरी टैलेंटेड। इन दैट केस मैं तो और सैलेड लूंगा। वैसे आज मैंने फ्रूट ट्राइफल भी बनाया है। आज से पहली बार फ्रूट ट्राइफल बनाया है। अच्छा ट्राइफल लाए, मैं भी ट्राई करूं। अच्छा सुनो, उसने पहली बार बनाया है। अच्छा ना भी लगे ना थोड़ा सा खा लेना, बहुत सेंसिटिव है, हर बात ना दिल पे ले लेती है। मो इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं, पहले भी झूठ नहीं बोल रहा था। अच्छा सलाद बनाया तो तारीफ की ना, एंड आई एम श्योर मीठा भी अच्छा ही बनाया होगा। और वैसे भी अगर इतना बदतमीज होता तो आपकी हाथ की बनाई हुई डिशेज इतनी खुशी खुशी तो ना खाता। डिड आई कंप्लेन? यू आर सो मीन जो। थैंक यू। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ और तुम अपने हाथ का बनाया हुआ सबको ही अच्छा लगता है। Oh wow. This looks really nice. Mama? I really like Jamal uncle. Hai na? He's a lovely person. Aapko bhi acha lagta hai wo. Phir Poppy aur Jamal ke saath to mera pura bachpan guzra hai. Their family. Hum log neighbors hua karte the ha. एंड आजकल के नेबर्स की तरह नहीं, हम तो 24 घंटे एक दूसरे के घरों में घुसे हुए हुआ करते थे। ओह बहुत फ़ायदा उठाया हमने जमाल के छोटे होने का, उसी ने हम दोनों को ड्राइविंग सिखाई है। आई टेल यू रियली फनी स्टोरी। एक बार जो होगा कोई 4 साल का,
और पापी और मैंने क्या किया कि उसके बालों में ना ढेर सारे वो कलरफुल हेयर क्लिप्स नहीं होते वो लगा दिए, फिर उसकी हमने तस्वीरें खींची। बाद में हमने जो उसको तस्वीरें दिखा के तंग किया है ना, आई नेवर न्यू दैट यू वर सो नॉटी। वे सारे बच्चे आपके इतने इतने अच्छे नहीं हो सकते। ओ थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अच्छी बच्ची तो माना। देखो सारी माएँ चूचू करती हैं ठीक है, बट वे मोस्टली वेरी प्राउड ऑफ आवर चिल्ड्रन। वो वैसी की वैसी है कम से कम देखने में पॉपी। ये तो मैं अंदाजा कर सकती हूँ, कुछ लोगों का वक्त कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दे आर एजलेस एंड सेंसलेस। जो क्या तुम अगर उससे मिलती तो तुम्हें भी यही लगता, शी सो फन हैंग अराउंड विद, तो उसे सेंसलेस कहने की तो जरूरत नहीं है ना पापी। यही तो फर्क है तुम्हारे और उसके दरमियान, उसे मैं ये कहूँ ना तो उसे बिल्कुल ना बुरा लगे। That's what I like about it. Oh, I missed all the fun. I really wanted to be with you guys. I'm sure you did, darling. We miss you badly as well. चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो मैं सीधा कराची में लैंड करूंगी। अच्छा ये बताओ उसकी बेटी कैसी है? कौन महा? वो देखो क्या सारा के स्टेपफादर कहाँ? सारा की मम्मी के साथ खड़े हैं। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, आई फील सॉरी फॉर सारा। वाई? कांट यू सी शी लुक्स सो अनहैप्पी। जरा मजा नहीं आया, फजूल तरीन एग्जीबिशन था, एक ढंग का जोड़ा नहीं था। और प्राइसेस देखी थी, 8,000 से कोई जोड़ा कम नहीं था। वाओ लवली फ्लावर्स, कौन लाया? है ना जो लेके आया मेरे। जो कौन? मेरी बचपन की दोस्त पापी, याद है उसका भाई जमाल, निकनेम जो है। जो सिग्मा का नया मार्केटिंग मैनेजर है, मैरिड है। शट अप शफक। नहीं मतलब शट अप की क्या बात है, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ, पूछने में क्या हर्ज है। चाय पियोगी? हाँ जाहिर बात है, अब घर के अंदर आई हूँ तो चाय पियूंगी ना। पूछे बगैर कभी कुछ ना पिलाना तुम, बचते करके मर जाना एक दिन। जमाल इस तरह इत्तेफाक से ना मिलता ना तो तुम भी गुम ही रहती। मैं गुम थी या तुम गुम थी? अच्छा ये शिकवे गिले इनका क्या फायदा है? हाँ मो यू हैव नो आइडिया, मैं और जमाल कितने एक्साइटेड हैं जब से तुमसे कांटेक्ट हुआ है। और जमाल का तो पूछो ही नहीं, वो तो सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ है। जब तुम्हारे यहाँ डिनर खा के आया था सारी रात मेरा दिमाग खाया उसने, मोने ये कहा मोने ये खिलाया। चलो उसे भी मेरी तरह एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट तो मिली। बड़े अरसे के बाद मैंने उसको इतना खुश देखा है, और मुझे इसलिए भी खुशी है कि उसे कराची में कोई अपना मिल गया है। वरना वो दोस्त बनाने में जितना टाइम लेता है, लोग रिश्ता कर लेते हैं इतने अरसे में। अच्छा तुम फिक्र ना करो ना उसकी, मैं उसका ख्याल रख लूंगी। उसकी शादी क्यों नहीं करवा लेती तुम दूसरी? मैं नहीं कराती, वो मेरे पास आए मेरी कोई बात सुने तो मैं कराऊं। अब वो तुम्हारे पास आया तुम कराओ उसकी शादी। व्हाट अ फैंटास्टिक आईडिया, मैं ढूंढती हूँ उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की, स्मार्ट एलिगेंट इंटेलिजेंट द वर्क्स। मेरी तरफ से तो कल के बजाय आज करा दो उसकी शादी। वैसे उससे थोड़ा सा पूछ लेना, मुझे लगता है रिसेंटली उसकी पसंद कुछ तब्दील हुई है। तो बेटर हो बस। वेल जेनी के एक्सपीरियंस के बाद आई होप फॉर द बेटर। अच्छा छोड़ो ऐसे नहीं कहते, तुम फिक्र ना करो ना, मैं ढूंढ लूंगी उसके लिए कोई। मेरा तो काम हो गया, अब आपका और नॉरेस का काम रह गया। मेरा भी काम बस खत्म होने वाला है, प्रॉब्लम ना हमेशा नॉरेस की होती है। जाते जाते उसको एक अल्टीमेटम दे दूं, कुछ तो असर होगा वरना पहले की तरह फिर बेइज्जती करवा देगा। कोई फायदा नहीं होना, ही रियली डजंट केयर। लाइबा आर यू एंगेज? एक्सक्यूज मी ऐसे पूछ रही हूं? नो। गुड, लगता है कुछ ज्यादा ही मुश्किल प्रेजेंटेशन दे दी आपको सर ने आज। तुमको क्या हुआ, आज सुबह से हर लड़की से उसका स्टेटस पूछ रही हो? रिश्ता ढूंढ रही हूँ भाई। किसके लिए? पॉपी का भाई है ना जमाल, उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ। मेरी नजर में एक लड़की है। कौन? नहीं तुम ढूंढ लो, तुम्हें ना मिले तो फिर मुझसे पूछना। तुम्हें पहले बताने में कोई तकलीफ है?
नहीं मुझे तो नहीं है, हो सकता है तुम्हें हो जाए। स्टाइलिश सी होनी चाहिए, मॉडल्स जैसी। स्टाइलिश बन सकती है, पतली कभी नहीं हो सकती। रहने ही दो, तुमसे कभी मुझे कोई फायदा नहीं हो सकता। चलो जब अपनी दोस्त के भाई के लिए रिश्ता ढूंढ लो ना, तो मेरी दोस्त के लिए भी रिश्ता ढूंढ लेना। अपना काम करो, जाके जाओ। हेलो। हेलो जी जनाब। हाँ, तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? तुम्हारी प्रेजेंटेशन ही देख रहा था। तुम? आप कहते कहते मेरी जुबान थक गई है यार। तुमसे क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन तुमसे मैंने हमेशा आप सुना है। तुम सुन के थोड़ा अजीब लगा। मेरी प्रेजेंटेशन के बारे में क्या कह रहे थे? अच्छी है। सॉरी। तबीयत ठीक है तुम्हारी? जरा सा फ्लू हो गया। फ्लू क्यों हो गया? बस काम की वजह से ओवर स्ट्रेस हो गया। तुम हमेशा से ही बहुत केयरलेस रहे हो। जो याद है आंटी कितना खपती थी तुम्हारे बारे में। खैर अब इतना भी केयरलेस नहीं है। या तुम बताओ क्या कर रही थी? किताब पढ़ रही थी, यही तो मेरी एक एक्टिविटी है हमेशा से। मैंने सोचा कि वक्त के साथ शायद तुमने कोई नई एक्टिविटी पकड़ ली होगी। नहीं, मैं इतनी आसानी से अपनी आदतें नहीं बदलती। बिल्कुल मेरी तरह। चलो शुक्र है मेरी सोहबत में रह के आपने कुछ तो सीखा। What's so funny? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, काफी अरसे बाद तुमसे बात कर रहा हूँ ना, इसलिए खुश हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे इतने साल बाद बात करके। लग रहा है जैसे जिंदगी का बहुत खूबसूरत वक्त लौट आया हो। हसन के एक्सीडेंट के बाद तो काफी अरसे तक मैं घर से बाहर ही नहीं निकली। कुछ समझ नहीं आता था कि हुआ क्या है। सब कुछ इतना अचानक हुआ। I can understand. लेकिन अब सब कुछ ठीक है, शुक्र है। ख्वामख्वाह में सर खा रही हूँ तुम्हारा। हाँ नहीं नहीं not at all. मुझे तुम्हारी बातें सुनना अच्छा लगता है। You are always a good listener, Joe. अच्छा सुनो गुड लिसनर, पापी ने मुझे एक बहुत जरूरी काम दिया। क्या जरूरी काम? तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी दी है। मासूमा एक तो मेरी तबीयत खराब है, दूसरा इट्स लेट एट नाइट और मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना है। एंड प्लीज रिमेंबर तुम रिश्ता करवाने वाली आंटी नहीं हो। ऑलराइट गुड नाइट। इडियट। तुम खाओगी? नहीं मेरा दिल नहीं जा रहा। Sure? हाँ खा लो आप लोग। अच्छा नहीं मेरा भी मूड नहीं है, लेकिन तुम एक काम करो बड़ी। Why don't you go and get yourself your favorite flavor? पूरी ना? मैं साथ जाती हूँ ना उसके दरम। खुद चली जाएगी वो? खुद कैसे जाएगी? She's just going to get an ice cream. जा सकती है वो। जा माँ। हद करते हो, उसे अकेले भेज दिया। मैं उसे कहीं अकेला नहीं भेजती। तुम अगर तुम उसको जाने दोगी तो वो कहीं अकेली जाएगी ना? हर वक्त उसकी स्पून फीडिंग करती रही या ओवर प्रोटेक्टिव रही, किस तरह आगे बढ़ेगी जिंदगी में वो? तुम्हारे बच्चे होंगे ना, पूछूंगी तुमसे ओवर प्रोटेक्टिव कौन है। कम से कम मैं उनके इर्द गिर्द 24 घंटे मंडलाता नहीं रहूंगा। I mean, for God's sake, she's all grown up now. और अगर तुम उसकी जिंदगी में इंटरफेयर करना बंद नहीं करोगी तो हाउ विल शी एवर टेक अ डिसीजन ऑन हर ओन? हमेशा कंफ्यूज और इनसिक्योर रहेगी वो। तुम चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में इतना कैसे जानते हो? एग्जैक्टली व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? एक अच्छा मशवरा देने के लिए जाती तजुर्बे की जरूरत नहीं आती, सिर्फ दिमाग चाहिए होता है। ओह रियली? या मैं ले आई। वेरी गुड, चले। By the way, buddy, तुम्हें वहाँ पे कोई मॉन्स्टर तो नहीं नजर आया? मॉन्स्टर? No. Not a monster, so maybe a ghost या वैसी कोई डरावनी चीज। Uncle Joe, stop joking. I'm not joking. अपनी मामा से पूछ लो, उनको तो लग रहा था कि तुम्हें वैसी कोई चीज मिलने वाली है वहाँ पे। Really, मामा?
अच्छा गाड़ी सीधा देख के चलाओ, वरना तुम अभी गोस्ट बन जाओगे। अच्छा गोस्ट बन जाओगे। अच्छा Oh wow. Let's see. Maths, A, good. English, A, nice. Chemistry, C, all right. Chemistry मुश्किल लगती है। That's all right. Chemistry was never really my cup of tea either. खैर, not to worry. कुछ सोचते हैं। Tuitions. Really, you think so? Yeah. To be honest, Uncle Joe, मुझे कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, और अगर होती भी है तो मैं फ्रेंड्स के साथ स्टडी करके कवर कर लेती हूँ। लेकिन केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ के भी कवर नहीं होता, और आपको पता है मेरी सारी फ्रेंड्स केमिस्ट्री की ट्यूशंस लेती हैं। And that's why you think you need tuitions. Yeah. Well, frankly speaking, I think tuition should always be the last option, but if you need it, we can give it a try. क्यों माँ? मुझे ट्यूशन के आइडिया बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। I mean, if it doesn't work out, तो ये सोच लेंगे। Okay. Yes. महाजानी, देखो किसका फोन आया। Here, catch. You know, I'm really surprised. क्यों? ये इतनी जल्दी अटैच नहीं होती लोगों के साथ। बहुत कंफर्टेबल हो गई है तुम्हारे साथ। शी इज नॉट यूजुअली दैट फ्रेंडली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ के स्कूल से आ रही हो? देर होगी थोड़ी। खैरियत? बिल्कुल खैरियत। हाउ डिड द पेरेंट टीचर मीटिंग गो? इट वाज सो गुड। माँ के टीचर्स ने उसकी इतनी तारीफ की, कहा है कि बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं उसमें, क्लास पार्टिसिपेशन भी उसकी बढ़ गई है। That's very good. मुझे लगता है इसमें जमाल का बहुत हाथ है। जब से उसने घर में आना शुरू किया ना, तो माँ रियली चेंज फॉर द बेटर। यू शुड बी ग्रेटफुल टू जमाल फॉर दैट। आई एम ग्रेटफुल टू जमाल। अच्छा जमाल से मुझे याद आया, मैंने अपनी कजिन से बात की थी। क्या कहा उसने? शी वॉन्ट्स टू मीट जमाल फर्स्ट। एक्सलेंट। संडे को ले उसको लंच पे, जमाल को भी बुला लूंगी मैं। वैसे मेरी जुबानी तारीफ से तो बिल्कुल नहीं मुतासर हुआ वो। शाइस्ता का भी यही हाल था। अच्छा मैं मीटिंग्स होके आती हूँ। हाँ हाँ ओके। हेलो। हाय जो। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। हाँ बोलो। तुम्हें एक लड़की से मिलाना है। वो क्यों? लड़की से क्यों मिलाते हैं? पता नहीं, मुझे तो आज तक किसी ने किसी लड़की से नहीं मिलवाया। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे ऑफिस में आजकल कोई काम नहीं है क्या? है। तो किया करो ना। करती तो हूँ। तो प्लीज बस वही किया करो। डोंट स्टार्ट दिस सोशल वर्क। क्यों, ये सोशल वर्क क्यों है? फिक्र करती हूँ तुम्हारी भाई। मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी हो, बीवी बच्चे हो। मो, मैं काफी मैच्योर हूँ। अगर मुझे शादी करनी होती ना, तो लड़की मेरे लिए मसला नहीं थी। वैसे जिस दिन तुम अपने आप को ग्रीक गॉड समझना छोड़ दोगे ना, तुम्हारी शादी खुद ही हो जाएगी। वो तो वैसे भी हो जाएगी। अच्छा प्लीज स्मार्ट विद मी, संडे को ढंग के कपड़े पहन के आना। मैं तुम्हें शाइस्ता से मिलवा रही हूँ। इंतहाई गैर शाइस्ता हरकत है ये। अच्छा सी यू ऑन संडे, ठीक है? खुदा हाफिज। आई थिंक शी लाइक्स यू बडी। मामा देखे, अंकल जो मेरे लिए बिल्ली लाए। क्या हो रहा है? व्हेन यू वांट टू कॉल हर? माओ। वाओ, इट्स रियली नाइस नेम। जमाली, किस किस्म के कपड़े पहन के आए हो? व्हाट डू यू मीन? तुम्हें मैंने कहा था कि तैयार हो के आना। तो हमेशा जब भी आता हूँ इसी तरह के कपड़े पहन के आता हूँ। आज कोई स्पेशल ओकेजन है क्या? नहीं जमाल, तुम इस तरह के कपड़े नहीं पहन के आते। यू आर ड्रेस्ड द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई सेड। मुझे शक था कोई। किस चीज पे? इस चीज का। जाओ जमाल, जाके अपना हुलिया दुरुस्त करो। महा, टेक दिस किट इनटू योर रूम प्लीज एंड क्लीन अप दिस मेस राइट नाउ। शायस्ता कुछ तो लो ना। नो थैंक्स, आई एम अ वेजिटेरियन। मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकती कि किसी जानवर के साथ ऐसी बेरहमी की जाए कि उसे खा लिया जाए। आई मीन कैन यू जस्ट इमेजिन दैट। मेरा ख्याल है लास्ट टाइम मैंने कोई
15 साल पहले गोश्त की कोई डिश खाई होगी और उसके बाद अब तक बिल्कुल भी नहीं. एंड लुक एट मी, आई एम फिट एंड आई एम हेल्थी. यू हैव सम बीन्स. ओके. मैंने भी आखिरी मर्तबा 15 साल पहले सब्जी खाई थी, अब मैं सिर्फ गोश्त खाता हूँ. एंड लुक एट मी, आई एम हेल्दी एंड फिट. ही इज जोकिंग. जमाल इतना मजाक मत क्या करो ना. डोंट वरी, मुझे ऐसे मर्द बहुत पसंद आते हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, जो कभी भी किसी भी औरत को हंसा सके. इट्स ग्रेट. स्टॉप इट. क्या हो गया? आई थिंक ही फाइंड्स माय नेल्स अनयूजुअल. मेरे डैडी को भी ये स्टाइल स्टेटमेंट बिल्कुल समझ में नहीं आता. अच्छा. अकॉर्डिंग टू हिम ऐसे नाखून सिर्फ चुड़ैलों के होते हैं. सही बात. मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरी इतनी बेइज्जती करोगे. हाउ कुड यू बी सो नास्टी टू हर भाई. मजाक की भी एक हद होती है. ऐसा क्या कर दिया मैंने? उसकी बाप की हुई बात से एग्री किया था ना. कौन सी बड़ी बात होगी इसमें? खुद सोचो कि तुमने क्या कहा था. मेरा दिल चाह रहा था कि मैं शर्म से मर जाऊं. जिस तरह शफक और शाइस्ता ने मेरी तरफ देखा है ना, तुम्हारी तारीफें कर करके गला खुश कर लेती हूँ. और तुम लड़की से पता नहीं क्या कह रहे थे. मोर टेक्निकली स्पीकिंग, डेढ़ घंटा उसकी बकबक सुनने के बाद जिस तरह मैंने रिएक्ट किया ना, उस तरह कोई भी रिएक्ट करता. डेढ़ घंटे के बाद जाके मैंने कुछ कहने की हिम्मत की है. She wasn't letting anyone talk. और तुम मुझे इस तरह की लड़की के साथ सेटअप करने की कोशिश कर रही थी. इस तरह की लड़की से क्या मुराद? हार्वर्ड की ग्रेजुएट है, बहुत अच्छी फैमिली से है, तुमसे 5 साल छोटी है उम्र में, सिंगल है और फिर भी तुम्हें कंसिडर कर रही है. बहुत एहसान था उसका मुझ पर. वो किसी लड़की का सिंगल होना या मुझसे 5 साल कम उम्र होना मैटर नहीं करता. कंपैटिबिलिटी मैटर करती है. अगर लड़की मेरे साथ कंपैटिबल हो ना, तो बेशक मुझसे 5 साल बड़ी भी हो और बच्चों वाली हो, मैं उससे शादी कर लूंगा. आई विल बी हैप्पी. यू आर नट्स. कैन यू नो, मैं मजीद तुम्हारे लिए कोई लड़की नहीं ढूंढने वाली. एनफ इज एनफ. थैंक यू. जमाल, अगर तुम्हारी बीवी ने कभी तुम्हें पीटा था ना, तो बिल्कुल जायज पीटा था. मोई, क्या तुम हर वक्त मुझे मेरे एक्स वाइफ के ताने देती रहती हो? एक बार पीटा था उसने मुझे, रोज नहीं पीटती थी, और वो भी पीटा नहीं था. नाखून मारे. पापी, तुम्हारे भाई की शादी तो नहीं हो सकती भाई. फॉर गॉड सेक, ऐसे तो नहीं कॉम हो. पता नहीं क्या स्टैंडर्ड है उसका, हर लड़की में कोई ना कोई नुक्स निकाल देता है. खुदा जाने सोफिया लोरेन ढूंढ रहा है क्या ढूंढ रहा है. जो ऐसा तो नहीं था पापी. जो ऐसा ही था वो, सब काम वो अपनी मर्जी से करता था. याद नहीं, सुनता सबकी था, लेकिन करता वही था जो पहले से तय किया हुआ होता था. मैंने भी फैसला कर लिया है. अब मैंने मजीद वक्त नहीं जाया करना है इस काम पे. अब तुम्हें अंदाजा हुआ मुझे कितना खपाया होगा उसने. लेकिन एक बात का मुझे यकीन जरूर है. वो क्या? He is going to make a very wise choice whenever he decides to get married. Hi Jo. हाँ, तुमने लंच तो नहीं किया अभी तक? नहीं, अभी 15 मिनट है लंच ब्रेक में. तो बस फिर तुम 15 मिनट में अपने ऑफिस के बाहर आ जाना, मैं नीचे खड़ा इंतजार कर रहा हूँ. ओके? ओके, खैरियत तो है. बाय. कभी कोई काम ढंग से ना करना. ये कपड़े कल क्यों? जमाल, अगर ये मजाक है तो बहुत घटिया मजाक है. और तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी. हाँ, और अगर ये मजाक ना हो तो? मासूमा, मासूमा लिसन टू मी. मासूमा, लिसन टू मी. तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या सोच रहे हो तुम? तो इसमें गलत क्या है? सब कुछ. जैसे? मैं उम्र में तुमसे 5 साल बड़ी हूँ. I don't care. तुम्हारी बड़ी बहन की दोस्त हूँ. I know. बेवा हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ. तो इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है यार?
जमाल तुम और मैं अच्छे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त रहेंगे। लोग दोस्ती के बाद भी तो शादी करते हैं ना। आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस। तुम्हारा और मेरा कोई जोड़ नहीं है। वो मैं 34 साल आदमी हूँ, पूरी दुनिया फिर चुका हूँ, हर किस्म की औरत से मिल चुका हूँ और इसके बाद तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। और अगर कर रहा हूँ तो मैंने कुछ तो तुम्हें देखा होगा ना कि मुझे लगा हम सारी जिंदगी इकट्ठे घर में खाना। बातें मत करो मेरे साथ, पापी क्या सोचेगी? पापी को मैं बता चुका हूँ, शी इज रियली हैप्पी। क्या सोचेगी वो मेरे बारे में कि मैं उसके छोटे भाई को? क्या छोटा भाई हर वक्त लगा रखी होती तुमने? मैं तुम्हें फिर से अपनी उम्र बताऊं? I have a 15-year-old daughter. You know how much I adore her. वो बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है और शादी के बाद मेरी बेटी की तरह रहेगी। असुमा मैं जिम्मेदारी लेना भी जानता हूँ और अच्छी तरह निभाना भी जानता हूँ। Can we please leave now? Can we please leave now? इसे अपने पास रखो तुम। नहीं। मासूमा प्लीज अच्छी तरह सोचो। I can wait. मासूमा फौरन से पेशतर ये प्रपोजल कबूल कर। सोचने की ना कोई गुंजाइश है और ना ही कोई जरूरत है। मगर अगर मगर नहीं मासूमा, कुफराने नेमत नहीं करते हैं। जमाल से अच्छा शौहर तुम्हें नहीं मिलेगा। देखो तुम और वो एक दूसरे को बचपन से जानते हो, तुम दोनों की फैमिलीज एक दूसरे से वाकिफ है, नापसंद पसंद बहुत सारी चीजें मिलती हैं, मिजाज मिलता है, एंड अबव ऑल माहा उससे कितनी अटैच्ड है। फिर मुझे समझ में नहीं आ रही कि तुम इनकार क्यों कर रही हो। मेरी 15 साल की बेटी है। तो जब उसे परवाह नहीं है तो तुम्हें क्या इशू है? मासूमा जमाना बदल रहा है, यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग। तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। मेरा दिल नहीं मानता। देखो वो कोई छोटा सा बच्चा नहीं है, डिवोर्स्ड है, 100,000 लड़कियों से मिल चुका है, उसके बाद उसने तुम्हें चूज किया है। कोई पहली नजर में तो तुम पे फिदा नहीं हो गया था ना? महा क्या कहेगी? मेरे ख्याल में महा बहुत खुश होगी। I don't think so. तुम मुझे 10 बार बता चुकी हो कि महा उसको बहुत पसंद करती है। Only as my friend. अच्छा, फिर एक काम करते हैं, तुम महा से पूछ लो। मैं कैसे पूछूं महा से? फिर मैं पूछ लूं? नहीं, नहीं। उसे मैं खुद बात कर लूंगी। Good. Oh God. जमाल से शादी? क्यों? जमाल से शादी क्यों नहीं हो सकती? 24 घंटे तुम्हारी जबान के ऊपर जमाल का नाम रहता है, तुम्हारा हर रेफरेंस जमाल के ऊपर जाके रुक जाता है, तुम्हारी एक फोन कॉल के ऊपर तुम्हारी किसी भी प्रॉब्लम में वो तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाता है। फिर मुझे समझ में नहीं आती कि तुम उससे रिश्ता क्यों नहीं जोड़ सकती हो। मासूमा तुम किससे डरती हो, सोसाइटी से या अपने आप से? तुम्हें जो कैसा लगता है? Uncle Joe is a great guy. I love him. Really? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे जो ने मुझे प्रपोज किया, आई नो मैं भी बहुत शॉक थी जब उसने शादी की बात की। तो फिर आपने उनसे क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा है मैंने उसे, मैंने अभी तक उसे कुछ भी नहीं कहा। मगर मुझे लगता है Maybe we need someone like him in our lives. माँ, मैं अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं करती, खास तौर पे ये डिसीजन।
और मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ तुम कितनी समझदार हो। अच्छे बुरे का फर्क समझती हो। और अब अपने मामा के मसाइल भी समझ सकती हो। Do you love him? Not more than you. Okay? But you love him. He is difficult to ignore. वो एक बहुत अच्छा इंसान है। उसमें वो सारी खूबियां हैं जो एक अच्छे कंपेनियन में होनी चाहिए, और मुझे लगता है, मुझे जेन्युइनली लगता है कि तीनों इकट्ठे खुश रह सकते हैं। Do you agree? Yes. ठीक हो ना? मामा, आप मेरे असाइनमेंट में हेल्प कराएंगी? कौन जानी, कहीं जा रही है क्या? जो के दोस्त एक म्यूजिकल इवनिंग को बुलाया, अभी देर के लिए जा रही, जल्दी आ जाऊंगी वापस। हाँ, शफ़क़ आंटी होंगी तुम्हें कंपनी देने के लिए। अच्छा लाओ, असाइनमेंट लाओ। नहीं, मैं एक बार और ट्राई करती हूँ, अगर नहीं हुआ तो आपसे पूछ लूंगी। पक्की बात है? Good girl, keep trying, huh? Hello, Shafak. Hello. कैसी हो भाई? वर्कशॉप में मजा आ रहा है? ऑफिस में भी तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा तुम्हारे बगैर। रहने तो तुम मासूमा, तीन दिन से मैं यहाँ सिंगापुर में बैठी हुई हूँ और तुम्हें आज ख्याल आ रहा है मेरा। माना कि बहुत सारे न्यू एक्साइटिंग लोग आ गए हैं तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ना तुम अपने पुराने फ्रेंड्स को भूल जाओ। अच्छा बकवास बंद करो। वैसे पता है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि माँ सारे सिचुएशन को इतनी अच्छी तरह एक्सेप्ट कर लेगी। मैं तो तुम्हें पहले ही कह रही थी, तुम खामखा वहमी हो रही थी। जमाल हैज बीन अमेजिंग, आई मीन ही हैज बीन टेकन सच गुड केयर ऑफ हर। अच्छा होल्ड करो, होल्ड करो बॉस। जी सर। जी मासूमा, आप जरा शेब नाडिया वाला साहब से मिल लीजिएगा, मैं इमरजेंसी में कहीं जा रहा हूँ, वो 15 मिनट में आ रहे हैं भी। सर मैंने आपको सुबह बताया था, मैंने माँ को स्कूल से खुद पिक करना है आज। तो आप उन्हें थोड़ा सा लेट पिक कर लें। शेब साहब से आपको ही मिलना होगा, वो बहुत मुश्किल क्लाइंट है, मुझसे हैंडल नहीं होते। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू। I can't stand his attitude. मैंने बताया भी था इन्हें कि मैंने सुबह माँ को पिक करना है। I wish मैं वहाँ होती तो मैं जाके पिक कर लेती माँ को। मैं जमाल से बात करती हूँ। Okay, bye bye. Okay, okay, bye. Hello. आमो, everything okay? Not really, not really. माँ को मैंने स्कूल से पिक करना था और मेरे बॉस ने क्लाइंट सर पे बिठा दिया है। कुछ कौन पे खराब, वो परेशान हो रही होगी मेरे इंतजार में। एक तो तुम भी ना मो, हर छोटी छोटी बात का खामखा में हवा बना लेती हो।
Anyways, don't worry, I'll pick her up and I'll take care of her until you get free. All right? Thanks, Joe. Thank you so much. काफी टेंशन मेरे सर से उतार दिए तुमने। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, वो बोर्ड की तरफ से तुम्हारी प्रेजेंटेशन रिव्यू होके आ गई है। They had some observations, मैंने तुम्हें ईमेल फॉरवर्ड कर दिए, तो तुम चेक कर लेना। ओके। ओके। अच्छा, मैं गाड़ी चला रहा हूँ अभी, तो आई एम पुटिंग द फोन डाउन, ऑलराइट? ओके, खुदा हाफिज़। आ जाओ बच्चे। नाश्ता करो। कुछ तो खा लो बेटा। नहीं मामा, मुझे भूख नहीं है। So sorry, Maha. Please मुझे माफ कर दो। I'm so sorry. I'm so sorry. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हाशिम साहब, मैं आज ऑफिस नहीं आ सकूंगी, कुछ तबीयत नहीं ठीक। जी मैं आपको वो फॉरवर्ड करने ही वाली थी, मैं आपको कर दूंगी। ओके जी, खुदा हाफिज। माओ, माओ जी आसिम। नहीं नहीं
उसको आपने सिर्फ दो बार फीड करना है, प्लीज डोंट ओवर फीड है ना। नॉट एट ऑल, खुदा हाफिज। मामा माओ कहाँ है? मैंने दे दी। किसको? अपने ऑफिस के कॉलीग को। खाना खाओगी? जी। तुम जमाल की कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही? जमाल मेरी जिंदगी से निकल गया। तुम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है? वो भी बहुत अपसेट साउंड कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ बता नहीं रहा था। कह रहा था कि मासूमा से कहो एक दफा मुझसे बात कर ले। मुझे उसकी किसी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं कभी कभी उससे बात नहीं करना चाहती। मासूमा, हुआ क्या आखिर? क्या हुआ मासूमा? Is everything all right? उसने मुझे महा से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। उसने मुझे मेरी बेटे की नजरों में गिरा दिए, उस जलील और घटिया आदमी ने। पूरा स्कूल खाली हो गया है, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? जाना है तो चलो। मासूमा, सारी उम्र मैं तुमको समझाती रही हूं कि तुमको माहा को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, बट तुम्हारे इस फैसले से तुम मुझे परेशानी हो रही है। आर यू श्योर कि तुम दोनों एक दूसरे से दूर रह सकोगे, खास करके माहा? शफक, इस वाकये का बहुत गहरा असर हुआ है हम दोनों पर। कोशिश करके भी हम इसे भुला ही नहीं पा रहे हैं। एक घर में रह के भी दिन ब दिन एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, अजनबी बनते जा रहे हैं। मुझे आखिरी हल ये समझ में आता है कि माँ की बेहतरी इसी में है कि वो इस माहौल से बाहर निकले। तुम्हारी बातें बहुत देर से समझ में आई मुझे शफक, लेकिन शायद इसीलिए मैं हिम्मत करके उसे अपनी बहन के पास लंदन भेज रही हूं। अब यह एहसास हुआ है मुझे कि मेरी बेटी की बेहतरी इसी में है कि वो मुझसे भी दूर रह के जीना सीखे, अपने ऊपर भरोसा करे, अच्छे बुरे की तमीज सीखे। आ जाओ मेरा बच्चा, बैठ जाओ। जूनी कहाँ है? जूनी अपने बाबा के साथ डेंटिस्ट के पास गई है। मासूमा मुझे कई दिनों से कह रही थी कि मैं तुमसे बात करूं,
पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। आज मैंने सारा टाइम निकाला तुमसे बात करने के लिए। क्या बात? मुझे ये बताओ माहा, तुम अपनी खाला के पास लंदन क्यों नहीं जाना चाहती? इतना अच्छा मौका मिल रहा तुम्हें अपना करियर बनाने का। करियर तो यहाँ रहकर भी बन जाएगा। लेकिन जो वैल्यू यूके की डिग्री की होती है वो किसी और डिग्री की नहीं होती। जानती हूँ, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं पूछ सकती हूँ क्यों इंटरेस्ट नहीं है? मैं मम्मी के पास रहना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन डिग्री करके भी तो तुम वापस आ जाओगी ना, कौन सा सारी जिंदगी बाहर रहोगी? इतने सालों के लिए मैं मम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकती। उनके साथ घर में कोई भी नहीं है मेरे अलावा। मैं भी चली जाऊंगी तो वो बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। आई रियली अप्रिशिएट दिस फैक्ट कि तुम अपनी मम्मी के लिए इतनी कंसर्न्ड हो। लेकिन तुम ये भी तो सोचो माहा, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब भी तो मासूमा अकेली रह जाएगी ना। मैं शादी नहीं करूंगी माँ। ये क्या बच्चों वाली बात होती है? बच्चों वाली बात नहीं है, मैं वाकई कभी शादी नहीं करूंगी। क्या वजह है जो नहीं करूंगी? कोई वजह नहीं है माँ। जो भी हुआ वो गुजर गया, माजी था, अच्छा था या बुरा था, गुजर गया। मासूमा अभी भी उस वाकये की वजह से बहुत अपसेट है। 6 माह हो गए हैं लेकिन वो अभी भी बहुत डिप्रेस्ड है। तुमने देखा है कि उसमें कितना चेंज आया है? किसी चीज में वो इंटरेस्ट नहीं लेती है। उस इंसिडेंट के लिए वो अपने आप को ब्लेम करती है अब तक। अगर तुम इस तरह की बातें करोगी तो वो उस गिल्ट में से कभी भी नहीं निकल सकेगी। उनका कोई कसूर नहीं था। आप उन्हें ये बात बता सकती हैं कि उनका कोई कसूर नहीं है? बेटा, मैं तुम्हारे कहने से पहले कई बार ये बात उससे कर चुकी हूँ, लेकिन वो मेरे कहने से तो नहीं समझेगी ना। अगर तुम खुश और मुतमइन रहोगी तो देखना वो ठीक हो जाएगी। खुश और मुतमइन कैसे हो सकती? मुझे कोई हक नहीं है खुश और मुतमइन होने का। क्यों हक नहीं है माँ? इसमें तुम्हारा क्या कसूर था? बस मुझसे ये एक बात मत कहे, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। बेटा, मुझे तुम्हारी बात नहीं समझ में आ रही। क्यों, तुम्हारी वजह से क्यों हुआ? मेरे मामा को बहुत हर्ट किया है। आप उनको मेरी तरफ से कह दें आई एम वेरी सॉरी, प्लीज। ऐसा क्या कर दिया तुमने? एक गुनाह हो गया है मुझसे, बहुत बड़ा गुनाह। या अल्लाह, खैर माहा क्या कर दिया बेटा? माहा, माहा बात सुनो मेरी। मामा जी, माहा, शफक, तुम्हारी माहा से बात हुई? हाँ मासूमा। माहा को पता नहीं क्या हो गया मासूमा, बहुत अजीब सी लग रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन मासूमा मेरे ख्याल में तुम्हें उसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। क्यों, क्या कहा उसने? कह रही थी कि मैंने मामा को बहुत हर्ट किया है। उसने ऐसे कहा? वो पहुंची नहीं अभी तक, यहाँ से तो काफी देर पहले निकल गई थी ड्राइवर के साथ। मैं चेक करके बताती हूँ। नहीं, मैं जानती हूँ वो कहाँ गई। थैंक्स शफक। आप मुझसे नाराज है ना? तो नहीं होना चाहिए क्या? होना चाहिए, क्योंकि आप तो मुझसे नफरत करते होंगे। जो कुछ भी मैंने किया
उसके बाद करनी भी चाहिए आपको मुझसे नफरत, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ, मेरे मामा से झूठ बोला। मेरे मामा की जिंदगी में इतने सालों बाद आने वाली खुशियों को खत्म कर दिया। और शायद इसके साथ तुमने अपने और अपनी मामा के दरमियान का वो खूबसूरत रिश्ता भी खत्म कर दिया। आई नो। नो महा, यू डोंट नो। क्योंकि तुम अगर एहसास होता तो तुम वो सब ना करती जो तुम कर रही थी। मैं इसीलिए कह रही हूँ, यू शुड हेट मी। महा, नफरत करने से मसले हल नहीं होते। और अगर मुझे समझ नहीं आ रही तो सिर्फ इस बात की समझ नहीं आ रही कि तुमने मुझसे या मासूमा से ये बात क्यों नहीं कही कि तुम नहीं चाहती थी कि हम शादी करें। जमाल अंकल, मामा आपसे प्यार करने लग गई थी। मैं अगर उनको मना भी करती तो आपका प्यार उनके दिल से खत्म नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैं चाहती थी कि मामा आपसे नफरत करें, आपको अपनी जिंदगी से निकाल दें, आपको कभी मिस नहीं करें, आपके बारे में कभी नहीं सोचे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप हमारे घर से तो चले गए लेकिन मेरे और मामा के बीच में हमेशा के लिए रह गए। तो तुम ये सब क्यों चाहती थी? मुझे मामा को खो देने का डर था। वो आपकी बहुत केयर करने लगी थी, आपसे बहुत अटैच हो रही थी। माँ, तुम्हें पता है ये सब क्यों कर रही थी? ताकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह बन सके, ताकि उसकी केयर के बदले में तुम्हारी केयर करने लगूं। लेकिन तुम्हें शायद ये लगा कि मैं उसकी जिंदगी में तुम्हें रिप्लेस करने के लिए आया। जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया है। मैं चाहती थी कि मामा आपसे नफरत करें, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सब कुछ करते करते मुझे अपने आप से नफरत हो जाएगी। I ruined everyone's life. God, so sorry. हाँ, तुम बुरी नहीं हो, सिर्फ बेवकूफ हो। तुम अपनी मामा के प्यार में बेहद पोसेसिव हो गई थी, और शायद इसलिए तुम्हें उनकी खुशी बुरी लग रही थी। लेकिन मां, यू हैव टू अंडरस्टैंड, हम ऐसा नहीं कर सकते, अपने मां बाप के साथ भी नहीं। हमें उन्हें उनकी जिंदगियां बेहतर करने का हक देना चाहिए। अपने अलावा भी सोचना चाहिए। दुनिया का कोई भी जज्बा हद से ज्यादा बढ़ जाए तो नुकसान देने लगता है, चाहे वो मोहब्बत ही क्यों ना हो। मैं आपसे अपोलोजाइज करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि अब इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। माँ, तुम्हें मुझसे नहीं अपनी माँ से माफी मांगनी चाहिए। Because you did her more harm than me. उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। माँ, किसी को हर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है। किसी को I'm sorry कहने के लिए बहुत कम हिम्मत की जरूरत होती है। लेकिन मैं उनको सब कुछ कैसे बता सकूंगी? वो ये सब जानती हैं। उस वाके के दो हफ्ते बाद ही तुम्हारी माँ ने लाउंज में लगी सिक्योरिटी कैमरा की रिकॉर्डिंग देख ली थी। वो आई थी मेरे पास तुम्हारी तरफ से माफी मांगने के लिए भी, और उन्होंने मुझसे कुछ कहा भी नहीं।
हाँ, सबसे तकलीफ दे बात यही है कि इस पूरे वाक्य में सबसे बड़ा कसूरवार तुम्हारी माँ अपने आप को समझती है। उसे लगता है कि तुम्हारे माँ होने के नाते उसने तुम्हारी ठीक तरबियत नहीं की, तुम्हें अच्छे बुरे का फर्क नहीं सिखा सकी। She feels as a mother, she's completely failed. वहां उसका करेज और कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। वो डरती है तुमसे। अगर उसने ये बात डिस्कस की तो तुम शर्मिंदगी में आके कोई नई बेवकूफी ना कर बैठो। वहां उसने भी वही किया जो हर माँ बाप करते हैं, अपनी औलाद की गलतियां छुपाने लगते हैं, सच से नजरें चुराने लगते हैं, जिंदगी भर कुर्बानियां देते हैं। यही सब कुछ वो भी कर रही है।